अच्छा तो और यहाँ पर ये क्या बोल रही, ये इसको भूख लग गई है, ये उठ गई। गुड मॉर्निंग विस्की, ये दूध मांग रही है। गुड मॉर्निंग, ओए 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 विस्की, नहीं बोलेगी तू, बोल। अरे यार इज्जत का सवाल है, बोल देना। गुड मॉर्निंग, बोल देख रही हूँ। फिर हमारे नाश्ते में है ये बूंदी का रायता, चाय ये देखो, और इधर रोटी है ना। तो फिर मैं फटाफट से टेस्टी वाला बुंदी के रायते के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सैनी व्लॉग 15 में। और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम पता है बहुत प्यारा हो रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है पता है। और ये हम कहाँ चल रहे हैं? ये वो वाली छत है जो उनसे हमने किचन बनाया था ना, उसकी छत पे है, ऊपर सबसे ऊपर पूरा दिख रहा है ना। हवा कितनी अच्छी चल रही है ऊपर, बहुत अच्छी हवा चल रही है। आज का मौसम मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश आएगी है ना, लग नहीं रहा कि धूप निकलेगी। मम्मी ठंड लग रही है ना, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी तब। इसलिए हम क्या करेंगे अब, फ्रेंड्स वगैरह सब हो चुके हैं है ना। और जैसे कि आपको पता है मम्मी पापा तो गांव में है, तो सीमा और मैं सीमा मोहित फ्रेश हो चुके हैं। मन धुलने के बाद फिर सीमा नाश्ते की तैयारी करेगी, फिर हमें खेत में भी जाना है, थोड़ा मार्केट के लिए सामान करना है। ठीक है भाई, मार्केट जाएंगे तब। ठीक है मैं अपना काम फाइनल करती फटाफट से। और देखो बहुत मजा आ रहा है यार। बहुत अच्छी हवा चल रही पता भी है, ठंड लगने लगी मुझे तो है ना। तो फिर हम अच्छे से हवा खाते हैं, ठीक है आप भी आ जाओ हवा खाने के लिए, आपके यहाँ भी अच्छी हवा चल रही होगी है ना। तो फिर ये पहाड़ नहीं दिख रहे आपको निकले यार, ये पहाड़ दिख रहे? हाँ आप दिखे ना, आप दिखे ना वो, अरे पीछे बहुत प्यारे लग रहे है ना। तो बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो मैं फिर नीचे जाती हूँ फटाफट से और बर्तन धुलूंगी। ठीक है ये क्या है? ये देखो फ्रेंड्स बहुत ही, देखो झंडा देखो हमारा कैसा हो गया। जल्दी तरह देर हो रही है मुझे भाई, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मेरे तो दिख नहीं रहा बाल क्या। कैसे पकड़ना सीढ़ी को, उतर जाएगी? नो, जल्दी तो आराम से उतर, आराम से उतरियो। यहाँ पे ही चल रही, देखो बहुत तेज चल रही, देखो ये बाबा गाइस, ये देखो झंडा, वाओ कितनी स्पीड से, ये देखो ये देखो कितनी स्पीड से। फ्रेंड्स हमारा तिरंगा हर समय लहराएगा, हर समय एक तिरंगा वो रहा है, देखो ये देखो एक तिरंगा ये रहा। वाओ हरा हरा क्या मौसम है। तो हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पे देखो कितने सारे बर्तन पड़े हुए धुलने के लिए। और इधर हमारी विस्की, विस्की अभी सोई रही है ना, यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है शायद। और विस्की का हाल देखो, ये सो रही है। आज पता है फ्रेंड्स हम क्या बनाने वाले हैं? तो यहाँ पे ये सो रही है ना, बहुत परेशान करती है, उठ जाती है, अच्छा हुआ सो रही है। आज पता है हम क्या बनाने वाले हैं नाश्ते में? बहुत ही अच्छी चीज। तो अब सीमा यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी कर रही है देखो, और मैंने बर्तन धुल दिए हैं फटाफट से। और क्या क्या बना? रायता कंप्लीट हो चुका है, बस रोटी सेकनी है मुझे। क्या? रायता कंप्लीट हो चुका है बनके, बस अब आटा गूंदना है एकदम से और सेकनी है रोटी, और चाय बनने वाली है। तो सारा नाश्ता फाइनल होने वाला है। और मैंने जो क्लिप बनाई थी ना वैसे ले ली, मैंने सूट की बनाई थी। अच्छा तो और यहाँ पर ये क्या बोल रही? ये इसको भूख लग गई है, ये उठ गई। गुड मॉर्निंग विस्की, ये दूध मांग रही है। गुड मॉर्निंग, ओए 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 विस्की, नहीं बोलेगी तू, बोल। अरे यार इज्जत का सवाल है, बोल देना। गुड मॉर्निंग, बोल देख रही हूँ ना, जब से तो इतना बोल रही थी अब नहीं बोल सकती थी, हूँ नहीं कर सकती थी मोटी। ये ना बाहर जाने के लिए कर रही है, और बाहर पे भी लग रही है, बाहर अभी ठंड लग रही है ये देखो। हाँ
हवा चल रही है, आज तो धूप ही नहीं निकल रही है, सोच रही कि धूप निकल गई होगी क्योंकि इसको धूप पसंद है ना, ऊपर जाती है छत में, तभी देखो है ना मौसम के शोर से बारिश आएगी। ओहो हवा चल रही है। तो विस्की देखो यहाँ पर कैसे बैठ रखी है, हम छत में ले आए हैं विस्की को क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रही थी नीचे है ना, अब ठीक है थोड़ा यहाँ पर। और भाई आगे हैं रनिंग से है ना, और सीमा इधर क्या कर रही है, रोटी सेक रही है, चाय वगैरह तो बन गई है हमारी, तो चूल्हे में रोटी सेक रही है क्योंकि चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, इतनी गैस की नहीं लगती, इसलिए वो चूल्हे पे सेक रही है। ठीक है ये देखो हाल विस्की के कैसे बैठ रखी है। विस्की क्या हो गया रे तुझे, ठंड लग रही क्या? ठीक है अब बन चुका है हमारा नाश्ता और मैं नाश्ता करूंगी अब। और ये देखो ये हमारी चाय है और वहां पर भाई क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं अपने नहाने के लिए। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे नाश्ते में क्या क्या है। ठीक है फिर हमारे नाश्ते में है ये बूंदी का रायता, चाय ये देखो, और इधर रोटी परांठी है ना। तो फिर मैं फटाफट से टेस्टी वाला बूंदी के रायते के साथ रोटी खाती हूँ। ठीक है फटाफट से नाश्ता करती हूँ। और इधर भाई आग जला रहे हैं पानी गर्म करने के लिए, जाए बिस्की वहाँ पर बैठी हुई, बिस्की को भी रोटी खिलानी है, तो फिर मैं खा लेती हूँ नाश्ता। ठीक है आपको भी पसंद है ना बूंदी का रायता तो कमेंट में बताओ है ना, आज जल्दी से हमारे घर पे आ जाओ खाने के। अब हम हो चुके हैं रेडी है ना, और भाई ने भी कर लिया है नाश्ता ये देखो इधर पे है ना। फिर हम फटाफट से खेत के लिए निकलते हैं, काफी टाइम हो गया है, खेत में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारा खेत है दूसरे खेत में है ना, तो भिंडी देखने के लिए आए थे हम कि भिंडी अभी तक जमी या नहीं, जाना था हमें श्यामपुर में ही है ना, तो अभी थोड़ा यहाँ पे देख रहे हैं तब जाएंगे। ठीक है और ये देखो यहाँ पर वही पीर बाबा जी का मंदिर है ना जिससे वहाँ था श्यामपुर में है ना, तो फिर हम फटाफट से यहाँ से भिंडी वगैरह देख के निकलेंगे। ठीक है ये आई ये रही ये जम के आ रही गाइस हमारी भिंडी, ये रही एक आ रही है अभी जम के भाई चल चल आ रही। ठीक है तो थोड़ा थोड़ा आ रही है शायद, हमें तो दो ही पेड़ मिले बस भिंडी के धरती के अंदर, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा जमने में है ना, फिर हम निकलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं खेत में, अभी अभी पहुंचे हैं है ना, तो अब मैं फटाफट से पालक काटती हूँ। और आज मौसम आपको पता ही है बारिश जैसा हो रहा है, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर मैं पालक की गट्ठी बनानी, मुझे पालक काटती हूँ मैं, और भाई मूली धुलेंगे। ठीक है अब हमारा इधर पूरा सामान रेडी होने वाला है, यहाँ पर पालक मेथी मूली और वो गट्ठी वाला पालक और ये धनिया। ठीक है तो ये मूली तो धुल गई है और पालक धनिया और ये मेथी वगैरह धुलनी है अब। ठीक है तो हम इसको भी धुल देते हैं फटाफट से और पूरा सामान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। भाई उधर पानी लेने के लिए जा रखे है ना कुएं से, मतलब उसमें होदी में पानी है ना ट्वेल में, तो वहीं से अब यहाँ पर हो गया हमारा पूरा सामान कंप्लीट, पूरा धुल के अच्छे से रख दिया है। ठीक है तो अब हमारा लंच भी हो गया है और भाई गए मार्केट है ना, और मुझे जो भाई ने काम बताया कि मुझे बथुआ तोड़ना है, तो मैं अब वो तोड़ूंगी, बहुत सारा बथुआ तोड़ना है, बहुत सारा है ना, और बथुए के पराठे भी कितने टेस्टी होते हैं ना, तो अगर आपको भी बथुए के पराठे पसंद है तो कमेंट में बताओ। ठीक है जरूर बताना, हाँ कमेंट नहीं करते आप, करते तो हैं लेकिन
कम करते हैं बहुत, है ना। तो इसलिए कमेंट में बताओ कि बथुए के पराठे कैसे लगते हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फिर मैं फटाफट से बथुआ तोड़ लेती हूँ, ठीक है।